हाँ जी भाई लोगों, बहन लोगों भी, क्या हाल चाल है? तो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आपका, करते करते फर्स्ट स्टेज करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो फर्स्ट स्टेज थी यार। लेक्चर फोर तक अपनी फर्स्ट स्टेज थी। फिर हम सेकेंड स्टेज पे सेल्स पे आ गए, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट। अब हम जा रहे हैं इस चैप्टर की थर्ड स्टेज पे बेटा, ये लास्ट स्टेज है। टाइम लगेगा खैर इसको कवर अप करने में, लेकिन ये लास्ट स्टेज है। चार पांच लेक्चर इसके आ जाएंगे, कुल मिला के इसके चार लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा थर्ड स्टेज इस चैप्टर की। और स्टार्टिंग इसकी होती है बेटा क्रिचॉफ्स लॉज से। एक साइंटिस्ट था भाई क्रिचॉफ, बाहर वालों के नाम फिर ऐसे ही होते हैं। तो क्रिचॉफ ने कुछ लॉज दिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1942 में एक जर्मन साइंटिस्ट था क्रिचॉफ, उसने लॉज दिए। अब जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना 1942 में, इंडिया वाले लगे हुए थे कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो ये लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो कर रहे थे। और क्रिचॉफ करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या दे रहा था, लॉ दे रहा था। तो किताबों में लिखा होता है कि जर्मन साइंटिस्ट 1942, उसने 1942 में क्या दिए, क्रिचॉफ्स लॉ दिए। और 1942 से हमें याद आ गया कि 1942 में हम लोग तो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम लोग ये कर रहे थे। और ये क्रिचॉफ के लॉ दे गया पतंदर। हमें पढ़ने पड़ते हैं, अजीब है थोड़े से, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगली बात है क्रिचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्रिचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो लॉ दिए मेनली इसने बेटा। एक को कहते हैं क्रिचॉफ्स करंट लॉ, एक को कहते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक एक करके करते हैं। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं, सेकंड लॉ को लूप रूल भी कहते हैं। अब पहले दो बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जंक्शन का मतलब क्या है और लूप का मतलब क्या है। बेटा जंक्शन का मतलब, तो एक पॉइंट जहां से दो या दो से अधिक रास्ते निकलते हो ना, उसको जंक्शन कहते हैं। आपने आम तौर पे ये जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, वहां पे जरूर जंक्शन वर्ड सुना होगा। अंबाला जंक्शन, पटियाला जंक्शन नहीं है, पटियाला जंक्शन नहीं है, अंबाला जंक्शन, बठिंडा जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां से दो कम से कम पाथ तो निकलेंगे निकलेंगे। अब अंबाला जंक्शन है, वहां से कई तरीके कई तरफ लाइन जाती है। जैसे अंबाला से चंडीगढ़ की तरफ एक रास्ता चले गया, पटियाला की तरफ दूसरा रास्ता आ गया। ओके, पटियाला जंक्शन नहीं है भाई, पटियाला में एक ही लाइन जा रही है सीधी, एक ही पाथ है, सिंगल लाइन है। तो जंक्शन मतलब जहां से दो रास्ते निकलते हों। जब हम करंट वगैरह डिस्कस करते हैं, मान लो हमने एक वैसी सर्किट बनाया यार। ओके, अब यहां पर ये सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने। अब इस सिचुएशन में यहां से करंट आता है आई। अब ये यहां पर वो दो पार्ट में बढ़ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। करंट के लिए ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। जंक्शन तो फर्स्ट लॉ जंक्शन पे भेजता है, इसलिए इसको जंक्शन रूल भी कहेंगे। कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे सारा कर देंगे। तो यहां से करंट आया इस पॉइंट, मैंने दो शो किए, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है या आकर मिल रहा है, इट इज कॉल्ड जंक्शन। अब जैसे यहां से चलेगा तो ये दोनों आके यहां पर मिल रहे हैं, ये भी क्या हो गया, जंक्शन हो गया। यहां से टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो गया, आपका जंक्शन हो गया। तो जंक्शन मतलब क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वर्ड यूज होगा बार बार, लूप। लूप का मतलब बेटा क्लोज सर्किट, लूप का मतलब कोई भी क्लोज्ड सर्किट। अगर मैं इसमें यहां से बात करता हूं, स्टार्ट ए बी सी डी, तो बेटा ए बी ये जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये एक लूप हो गई आपकी। और अगर इसको नीचे से आ जाओगे ये ऐसे, तो ये दूसरी लूप होगी। मतलब लूप मतलब कोई भी क्लोज सर्किट यार, लूप मतलब कोई भी क्लोज्ड सर्किट। ये हो गया, फिर वही बात, हमने इसको
ऐसे बना दिया, ओके जी। तो इसमें ये भी एक लूप है, ऊपर ऊपर देख लो, और ये यहां से लेके नीचे वाली देख लो, ये अपने आप में एक लूप है, और अगर इसको ही देख लोगे ये अपने आप में क्या है, एक लूप है। लूप मतलब एक एंड से स्टार्ट कर रहे हो और फिर वहीं पे पहुंच रहे हो बेटा, क्लोज हो गया, तो लूप हो गया। तो दो लॉ आएंगे अपने पास, एक को हम कह देंगे जंक्शन रूल, दूसरे को हम कह देंगे लूप रूल। तो स्टार्ट करते हैं यार, सबसे पहले लिखो क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हो गया, छोटी मोटी बात करने के बाद वापिस कहां पे आ गए, मेन बात पे आ गए। अब जल्दी से लिख लो क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम फर्स्ट लॉ को हम आमतौर पर जंक्शन रूल भी कह देते हैं। तो हमने बोला क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, जिसको हम क्रिचॉफ्स करंट लॉ भी कह देते हैं। चाहे फर्स्ट लॉ बोलो, चाहे जंक्शन रूल बोलो, चाहे क्रिचॉफ्स करंट लॉ कह दो, KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनना, कहता क्या, यह कहता है, स्टेटमेंट में लिखवाता हूं कि यह कोई भी जंक्शन है, और मान लो इस जंक्शन पर कुछ करंट्स मीट कर रहे हैं, ओके। यहां से मान लो ये करंट आता है I1, ये वाला करंट इधर को जा रहा है मान लो I2, ओके, ये इधर को जा रहा है I3, और इसको मैंने फिर से ऊपर की ओर ही शो कर दिया, ये I4 हो गया। तो यार जंक्शन रूल कई तरीके से कह देते हैं, हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितने करंट्स इस जंक्शन पे आ रहे हैं उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, जितने करंट इस जंक्शन से जा रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जैसे अगर मैं आने वाले को पॉजिटिव साइन दे देता हूं तो जाने वाले को देखो मेरे को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, एक ये भी बात है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले तरीके से ऐसे ही बोल दूं तो आ कितने रहे हैं बिना साइन वाली भाषा के, आ रहे थे I1 प्लस I4, तो दो करंट आ रहे हैं ना, I1 और I4 आ रहे हैं, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जितने करंट जा रहे हैं इस जंक्शन से, जा कौन कौन रहे, I2 प्लस, कहानी यार जंक्शन रूल कहता है द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। अच्छा, इसी चीज को जितने आ रहे थे जितने जा रहे थे ऐसे भी लिखा जा सकता है, I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो भी लिखा जा सकता है, ये इधर आगे जीरो हो गया। या मैं इसको I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो भी लिख सकता हूं। अब यहां से जंक्शन रूल को स्टेट करने का एक और तरीका आता है, सुनना जरा। इसमें हम कहते हैं कि जंक्शन रूल कहता है द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर बेटा आप साइन वाली भाषा नहीं बोलते, सिंपल देसी धड़ा मारते हो, तो उसके हिसाब से आप यह भी कह सकते हो सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग, जितने आए उतने गए। अगर आप साइन लगा देते हो कि भाई आने वाले को पॉजिटिव दे दूंगा जाने वाले को नेगेटिव साइन दे दूंगा, तो इकट्ठे एक ही बार में भी बोल सकते हो कि जंक्शन रूल स्टेट्स दैट, या क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वैसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये जो सेकंड वाला मैंने बोला क्रिचॉफ, आप फर्स्ट फॉर्म में बोल दोगे वो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है इसकी,
ये सेकंड वाले फॉर्म में जब लिखते हैं तो आप भी वही बोलना। मेरे हिसाब से यही रिकमेंडेड है कि क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो भाई, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब इसके हिसाब से मैंने क्या लिखा था, आई वन, अब इसमें आपको साइन देना पड़ेगा। साइन सिंपल है, जो एंटर कर रहे हैं जंक्शन की और उसका अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो लीव वाले को क्या दे दो, नेगेटिव दे दो। अगर एंटर वाले को नेगेटिव दे दिया तो लीव वाले का क्या दे दो, पॉजिटिव दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से अगर मैं लिख रहा हूं तो आई वन और आई फोर को पॉजिटिव दिया है तो यह बनेगा आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू जीरो। समझ लो इसको, जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं, समेशन ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। सारे करंट्स जो एंटर और लीव कर रहे हैं उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जंक्शन रूल जब हम लगाया करेंगे ना तो पता भी नहीं लगेगा कि जंक्शन रूल लगा दिया, अपने आप ही लग जाया करेगा। अच्छा, वो अगला वोल्टेज रूल जो है, सेकेंड लॉ जो आएगा, वो पंगे वाला काम है, उसको तो जब लगाया करोगे पता लगेगा भाई कि लगा रहे हैं कुछ, क्योंकि उसमें तो गलती होने के चांसेस ही बहुत हो जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो सिंपल है बेटा, ओके। इसमें एक बात और नोट करने वाली रख लो याद, कि इसमें एक बात बोली जाती है कि इट इज बेस्ड ऑन, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ बताओ और बताओ किस लॉ पे बेस्ड है, किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। तो याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सोचो यहां पर ये I1, I2, I3 ऐसे है ना, अब I होता क्या है, dq by dt होता है ना। अगर मैं इसी को लिख दूं तो I इक्वल टू क्या लिख दूंगा, dq by dt, I1 की जगह लिख दिया dq1 by dt, होगा dq1 by dt माइनस dq2 by dt माइनस dq3 by dt प्लस dq4 by dt, और dt dt कॉमन ऊपर जाके जीरो, क्या बन गया dq1 माइनस dq2 माइनस डी क्यू थ्री प्लस डी क्यू फोर शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी जितने भी करंट्स हैं, जितने भी करंट्स हैं उन सब का सम जीरो, या कह लो कि जितना भी चार्ज आया था और जितना भी चार्ज गया था वो इक्वल होने चाहिए, या कह लो द सम ऑफ चार्जेस एंटरिंग और लीविंग इन जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। कुछ भी नहीं, खत्म कर दिया मैंने, सीधा किस पे जा रहा हूं, अब सेकंड लॉ पे जा रहा हूं, इसको देखते रहना, कुछ भी नहीं है, अगली बात पे आओ, काम की बात। नेक्स्ट इज क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगली बात हो गई क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल, इसको हम क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ भी कह देते हैं, इसी को हम बेटा जी लूप रूल भी कह देते हैं, इसी को हम लूप रूल भी कह देते हैं। अब यह समझने वाली बात होगी जी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई मान लो लूप बना लेते हैं, लूप ये एक बैटरी होगी, ओके, ये एक रेजिस्टर हो गया, मान लो एक दूसरी बैटरी भी लगाओ, ये एक दूसरी बैटरी होगी, इसका नाम रख देते हैं E1, इसकी EMF E1 है, इसकी EMF
E2 है, एक रजिस्टर और लगा लो इस पे, चलो एक यहां लगा लो। ओके जी, ये सिचुएशन लूप बना दी हमने ना, अब लगा के दिखाएंगे तभी मजा आएगा। ये E1 है, E2 है, इसका नाम R1 रख लो, इसका नाम R2 रख लो, इसका नाम R3 रख लो, ध्यान देना। करंट भी चला दो, मान लो E1 E2 पूरे ही करा देते हैं ना, विद एग्जांपल कराएंगे तो पूरे ही हमने कराया। यहां पे इसकी जगह यहां से मान लो करंट निकला I1, यहां से मान लो करंट निकल गया I2, ये I2 आया, I1 आया, इस जगह पे देखो जंक्शन रूल लग जाना है तुम्हारा, ऊपर से I1 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इस पॉइंट पे क्या लगेगा, जंक्शन रूल लग जाएगा। जंक्शन रूल के हिसाब से ये जो करंट जाएगा ये I1 प्लस I2 जाएगा। अब मैं इसका नाम I3 भी रख सकता था, लेकिन I3 करके एक और अननोन आ जाएगा I3, उसको निकालना पड़ेगा, तो जहां तक हो सके आप कम ही रखो। अब मुझे पता है ऊपर से I1 आ रहा, नीचे से I2 आ रहा, यहां जंक्शन रूल लगेगा, तो ये I1 प्लस I2 आ गया। ओके, यहां पर आकर इस जगह पर करंट फिर दो पार्ट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इसके ना एग्जांपल मुझे बहुत कराने पड़ेंगे तब जाके लूप रूल क्लियर होगा, तो दो तीन एग्जांपल के साथ ही डील करेंगे हम। यहां पे आके फिर स्प्लिट हो गया, ये I1 और नीचे I2, तो यहां I2 पहुंचा, यहां फिर से I1 पहुंचा। अब देखो जी, एक बात याद रखना, अगर कभी सर्किट में ऐसे बैटरी बैटरी करंट वन डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें एक रूल यह है कि यार बैटरी के एक एंड से अगर तुमने I1 चलाया ना तो आगे चलकर वो कटा बटा स्प्लिट हुआ, लेकिन अंत में कट कटाकर बट बटाकर वापस जब वो बैटरी के दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो I1 चला था तो I1 ही पहुंचेगा, रूल है। यहां से I1 चला था, यहां ठीक है दो पार्ट में बटा, फिर से आगे मिला के I1 चला था तो I1 ही पहुंचेगा। नीचे वाली बैटरी देखो, इसमें बैटरी के पॉजिटिव एंड से जब मैंने स्टार्टिंग दी तो कितना करंट चलाया था, I2 करंट चलाया है, तो बेटा वो भी घूम घुमाकर जब दूसरे एंड पे आगे पहुंचा तो कितना पहुंचा, I2 ही पहुंचा। तो ये रूल है यार कि जितना करंट बैटरी के एक एंड से निकलेगा दूसरे एंड पर उतना ही पहुंचेगा। तो इसको पहले तो समझो, अभी लूप रूल हमने स्टार्ट ही नहीं किया। अब इसमें कई तरह की लूप्स आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे मान लो नाम रख दिए मैंने A B C D E F, ठीक है, A B C D E F, कई मैंने क्या रख दिए इसके नाम रख दिए मान लो, तो इसमें कई लूप्स हैं। A B E F A, क्लोज्ड लूप मतलब वापस वहां पे आके एंड करना है आपने, A B E F नहीं, A B E F A बोलना है, A से स्टार्टिंग हुई A पे एंड करना है, तो क्लियर होगा कि कौन सी लूप की बात चल रही है। बेटा B C D E B, ये एक लूप हो गई, A B C D E F A, ये बाहर बाहर वाली भी एक लूप हो सकती है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। लूप समझो पहले, तो जंक्शन दो दिख रहे होंगे तुम्हें, एक ये वाला जंक्शन है, यहां पे करंट टूटा था, ये वाला जंक्शन है, यहां पे करंट आके यहां पे, हाँ यहां पे टूटा, यहां पे मिला था, इस जगह पे ज्वाइन हुए थे, वहां पे जाके फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। जंक्शन भी दिख रहे हैं, लूप्स आपको इस वक्त तीन दिख रही होंगी, तो एक तो लूप क्लियर करो क्या होता है, एक जंक्शन क्लियर करो क्या होता है। लूप रूल अभी स्टार्ट कर रहा हूं, जंक्शन रूल सिंपल, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, पंगे वाला काम है लूप रूल। तो लूप रूल कहता क्या है, इसको क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं क्योंकि वोल्टेज से रिलेटेड है। ये कहता है इन अ क्लोज्ड लूप, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, या बेटा क्रिचॉफ लूप रूल क्या कह रहा है, इन अ क्लोज्ड लूप
द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स शुड बी इक्वल टू जीरो. फिर से सुनो, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो. यानी सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स शुड बी इक्वल टू जीरो. अब जीरो तब होगा, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो उसमें फिर साइन का ध्यान रखना जरूरी है. फिर से सुनो जी, मतलब क्या है? पहली बात तो वो कहते हैं इन्हें क्लोज लूप. लूप कैसी होनी चाहिए? क्लोज. अब ए बी ई एफ पे नहीं छोड़ना, ए बी ई एफ ए तक जाना है. इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ. सम ऑफ ऑल द ईएमएफ मतलब आपकी जो लूप है उसमें कुछ बैटरीज लगी हो सकती हैं. अब बैटरी जो लगी हुई थी उसकी अपनी क्या होगी? ईएमएफ होगी. अब ये जो ऊपर वाली लूप है इसमें तो एक ही बैटरी है, तो एक ही आ जाएगा, ईवन आ जाएगा. अगर ये बाहर बाहर वाली लूप लोगे ऐसे करके, इसमें दो ईएमएफ आएंगी ईवन और ई2, उनको ऐड करना है, प्लस वोल्टेजेस या जिसको मैंने क्या बोला पोटेंशियल ड्रॉप्स. तो बेटा आपका जो लूप होगी उसमें दो तरह की वोल्टेजेस होंगी, एक तो आपकी लूप में ईएमएफ लगी होंगी या फिर आपकी लूप में रेजिस्टर्स होंगे और रेजिस्टर्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज का क्या हो रहा होगा? ड्रॉप हो रहा होगा, या उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा. जैसे मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस रजिस्टर की जो वोल्टेज है इस रजिस्टर की वो क्या है? I1R1 आएगी. ये वोल्टेज ही है ना. इसकी बात करूं तो इस लूप में इसके इसमें से करंट जा रहा है I2, रजिस्टर R2, तो इसकी वोल्टेज क्या आ रही है? I2R2 आ रही है. इसकी वोल्टेज आ गई I2 × R2. अगर इसकी बात करो तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आएगी? सॉरी, I1R1 ठीक है, I2R2 ये आ जाएगी I1 + I2. ये इसका करंट हो गया × R3. बात को समझो, कोई भी लूप है उसमें या तो सेल्स लगी होंगी और साथ में कुछ रजिस्टर्स लगे होंगे. सेल जो लगी हुई है उसकी ईएमएफ हो गई, जो रजिस्टर लगे हुए हैं उनके क्रॉस जो ड्रॉप आया उसको वोल्टेज ड्रॉप कह देते हैं. तो हमने बोला इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो. सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो. याद रखना है भाई, याद रखना. इट सेज दैट इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो. एक बार लगा के बताते हैं, फिर भी पहले एक पॉइंट और लिख लो जी. इसमें लिख लो कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बेटा जैसे फर्स्ट लॉ में बोला था इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें बोलेंगे हम इट इज, कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब यही कभी पूछ ले कि किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, तो क्या याद कर लेना भाई, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी. तो पहले हमने क्या बोली? स्टेटमेंट बोल दी. स्टेटमेंट बोल दी कि इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो. ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी. अब जरा लगाना सिखाते हैं. जंक्शन रूल की तरह इतना ईजी नहीं है कि अपने आप लग गया, ये लगता नहीं है, लगाना पड़ता है. लगता नहीं है भाई, लगाना पड़ता है, और वो भी बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है. अपने पास तीन लूप है भाई, तीनों में एक बार क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन बना रहे हैं. ध्यान से देखना, इसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा. प्रैक्टिस में क्या करना कि मैं सर्किट बना
जब सर्किट बन जाएगा मैं बताऊंगा इस लूप में केवीएल लगाना है। जब मैं बोल दूंगा इस लूप में केवीएल लगाना है तो अपनी वीडियो कर देना बंद। बंद करने के बाद अपने आप इक्वेशन बनाना। एक बार जब मैं बना सिखा चुका हूंगा उसके बाद जब क्वेश्चन डालूंगा तो अपने आप इक्वेशन बनाना जब बन जाएगी फिर वीडियो करना ऑन, और फिर जैसे जैसे मैंने बनाई होगी फिर लास्ट में कंपैरिजन कर लेना कि सही बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि जब मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें ये कह रहता हूँ, पहले एक बार सिखा दिया, उसके बाद सिखाने के बाद फिर मैं सर्किट बनाकर कहता हूँ अब बनाओ जी इक्वेशन, फिर बच्चे बना लेते हैं और उसके बाद कंपैरिजन हो जाए, फिर बाद में मैं करता हूँ। तो यहाँ पे तो मेरी भैया मेरे को पहले ही करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको पहले मत देखना। जब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप क्या करना कि जैसे सर्किट आ जाएगा कि भी बनाओ जी इसकी इक्वेशन, तो वीडियो बंद कर देना, फिर अपनी इक्वेशन बनाना, फिर जब इक्वेशन आपकी बन जाएंगी उसके बाद फिर वीडियो ऑन करना और फिर चेक करना कि ठीक बन गई कि नहीं बनी। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस में करना, आपको आ जाएगा। पहले देखते रहोगे फिर नहीं आएगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद एक बारी। अभी तो पहले फिलहाल सिखा दें आपको तो बेटा यहाँ पे 3 लूप है, 3 लूप में अभी मत वीडियो बंद कर लेना भाई, अभी तो पहली बारी सिखा रहा हूँ। वो जब मैं सिखा चुका हूँगा प्रैक्टिस कराऊंगा तब की बात है, एक बार सीख लो। 3 लूप है, तीनों में एक बार मैं केवीएल लगा रहा हूँ। कैसे प्लस लेना है कैसे नेगेटिव लेना है वो सीखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हमने बोला कौन सी लूप ले लेते हैं, ऊपर वाले लेते हैं ए बी सी, नहीं ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना कि भैया जब भी केवीएल लगाना होगा पहले करंट की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। जब भी केवीएल लगाना है पहले आपको करंट की क्या बनानी पड़ेगी, प्रॉपर डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर सिंपल वाला सर्किट था, ये सबसे सिंपल है, वो डायरेक्शन मैंने पहले बना दी हुई है, ये बन गई डायरेक्शंस। करंट हर रेजिस्टर में से किधर को जा रहा है क्लियरली शो होना चाहिए। ओके जी, मान लो आपने शो कर दिया, करंट की डायरेक्शन शो हो रही है। ध्यान देना लूप के अंदर आप प्लस और माइनस साइन लगा लोगे। जैसे बैटरी है, बैटरी का सिंपल है, बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव देना है, नेगेटिव को नेगेटिव दे देना है। मेरी ऊपर वाली लूप है उसके साइन लगा रहा हूं। अब करंट ऐसे जा रहा है ना, अब इस रजिस्टर में अगर करंट उधर जा रहा है ना तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो ये एंड पॉजिटिव लेना, ये एंड क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। ऐसे ही यहां से घूमता हुआ जब करंट जाएगा तो इधर को जा रहा है ना, तो इसका ये एंड पॉजिटिव आएगा और ये एंड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, वो अंडरस्टूड है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आएगी, V इक्वल टू आई आर, जितना इसका करंट, नहीं तो ज्यादा गदर समझ जाएगा, समझ में कुछ नहीं लगेगा। ऐसे इसके अक्रॉस जो करंट है वो I1 प्लस I2 है, वो ठीक है लिख दिया मैंने, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लिख लेंगे अब बाद में, ओके, नहीं तो ज्यादा कुछ हो गया। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें बेटा करंट प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाले पार्ट में मैं केवीएल लगाने जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन डायरेक्शन सारी मैंने बना दी हुई है। स्टार्ट करते हैं, जब आपने ये बनाना है तो आप चेक कर लो कितनी ईएमएफ है, कितने रजिस्टर्स हैं। तो भैया एक तो ईएमएफ है, ये क्या आएंगे, 2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाना है, उनका सम क्या आना है, 0 होना है। 3 टर्म्स है, तीनों का सम आपस में क्या आना है, 0 आना चाहिए। अब 0 सबका सम तभी आएगा, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है वो साइन कन्वेंशन याद कर लो। मान लो तुम लिखना शुरू कर रहे हो तो कहीं से स्टार्ट कर लो बस। मान लो तुमने ए से स्टार्ट किया, अब ए से स्टार्ट किया तो मुड़ना नहीं है भाई पीछे, जब तक पूरा घूम कर ए तक नहीं पहुंच जाते ना, बस बैक नहीं होना, कदम पीछे नहीं हटाने। ए से बी तक आते आते बीच में कोई वोल्ट कोई रजिस्टर नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है। जब मैं बी से ई तक पहुंच रहा हूं तो एक वोल्टेज आ गई रेजिस्टर के अक्रॉस, कुछ ना कुछ वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस जो कुछ ना कुछ वोल्टेज आई वो कितनी आई, वी इक्वल टू आई आर। तो इसकी वोल्टेज जो बीच वाले की है, करंट इसका I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस इसका R3। बेटा ये क्या है, तो अब इन तीनों टर्म्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीनों टर्म्स का सम होना चाहिए 0। अब तीनों टर्म्स का सम 0 करने के लिए हमें प्रॉपर साइन लगाने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना साइन वाली बात,
रूल है कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो आप अपने लूप में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंचते हो तो यानी आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए हो, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, तो उस वोल्टेज का साइन नेगेटिव लेना। अगर आप माइनस से प्लस की ओर बढ़े हो तो उस वोल्टेज का साइन प्लस लेना। फिर से सुन लो, सबसे पहले मैं ऐसे बीच चला था, कुछ नहीं है, सबसे पहले ये वोल्टेज आई थी, अब यहां पे बेटा प्लस से माइनस पहुंचा ना मैं, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, तो मैं इसकी जो वोल्टेज है प्लस से माइनस पहुंचा, उसका साइन क्या लेना चाहिए मुझे? नेगेटिव। ओके, इसके बाद चलते चलते जब मैं यहां पे पहुंचा तो प्लस से माइनस पहुंचा, तो इसकी जो वोल्टेज आई थी उसका साइन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फिर जो तीसरी वोल्टेज है, देखो प्लस से माइनस नेगेटिव आया, प्लस से माइनस इसकी वोल्टेज नेगेटिव आई, लेकिन इसमें माइनस से प्लस पहुंचा, माइनस से प्लस ये एंड, चलते चलते प्लस से माइनस नेगेटिव, प्लस से माइनस नेगेटिव, माइनस से प्लस, तो इसका सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और हमने बोला सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो करना है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, तीनों लूप पे लगाऊंगा भाई क्लियर हो जाएगा, पहली बार में नहीं क्लियर होता, अब ये मत टेंशन लो कि यार नहीं समझ में लगा, लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तीन एग्जाम्पल आ रहे हैं, हो जाएगा क्लियर। इसको ज्यादा बातें आगे सॉल्व कर लो, जैसे इसको अब सॉल्व करके लिखूंगा तो बन जाएगा ई वन माइनस आई वन आर वन, ये खुल जाएगा माइनस आई वन आर थ्री माइनस आई टू आर थ्री इक्वल टू जीरो, ये फिर बाद में जैसे भी इसका यूज करना होगा वो बाद की बात है। तो ऐसे लगाते हैं बेटा केवीएल, फिर से देखो, अब नीचे वाली लूप उठाओ, नीचे वाली लूप में जहां से मर्जी मैं बी से भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन कोशिश यह की जाती है कि जिस तरफ, मतलब ऐसे भी आ सकता है, लेकिन कोशिश यह करनी है जिधर को करंट जा रहे हैं ना बेटा उस तरफ चलो, जिस तरफ एरोज जा रहे होंगे, ज्यादा एरोज, इसमें तो खैर कुछ ही एरोज हैं, कई बार कई तरह के एरो होते हैं, कुछ आगे जा रहे हैं कुछ पीछे जा रहे हैं, तो जिधर को ज्यादा एरो जा रहे हो उधर को चलो। अब नीचे वाले लूप में फिर से क्या लगाते हैं? केवीएल। इस बार लूप हमने ली बी ई डी सी बी, इस बार लूप है आपकी बी ई डी सी बी, ध्यान देना जी, बी ई डी सी बी जो लूप है आपकी, इसमें अगर आप केवीएल लगाते हो तो अब मैं कट्ठे लिख दूंगा, बी से सी जाते हुए जो पहली वोल्टेज आई वो ये आ गई, अब पहली वोल्टेज आई बी से ई, सॉरी बी से ई पहुंचते वक्त इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो आया आई इंटू आर, इसका करंट कितना है? आई वन प्लस आई टू, और रेजिस्टेंस कितना है? आर थ्री, और आप प्लस से माइनस जा रहे हो ना, तो इसका साइन क्या लगना है? माइनस। इसके अक्रॉस वोल्टेज यार वी इक्वल टू आई आर, आई की जगह आई वन प्लस आई टू, आर की जगह आर थ्री, और साइन प्लस से माइनस गए इसलिए माइनस। अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े ई एम एफ आ गई, ई एम एफ का ये साइन माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस और माइनस लगेगा क्योंकि मैंने बोला जिस दर चलते हैं इधर को करंट जा रहा है तो करंट हमेशा हाइयर से नेगेटिव जाता है, ये प्लस आना था ये माइनस आना था, तो बेटा यहां से चलते वक्त प्लस से माइनस पहुंचे इसलिए साइन नेगेटिव, यहां आए यहां आए यहां आए, वोल्टेज कौन सी आ गई? ई एम एफ आ गई ई टू, माइनस टू प्लस जा रहे हो तो ई एम एफ प्लस आएगी और ई टू आएगी, और आगे इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो इसका करंट है आई टू आर टू, वीकल टू आई आर के हिसाब से वोल्टेज इसकी आएगी आई आर, आई टू आर टू आई, और प्लस टू माइनस माइनस, और सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये बनी इक्वेशन सेकेंड लूप के लिए, जब हमने क्या लगाया? क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। तीन वोल्टेज है इसमें, एक दो
तीन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। और जीरो करने के लिए कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखना है उसके लिए साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। हर किताब में साइन कन्वेंशन अपने तरीके से कराई जाती है। अब प्रदीप उठा के देखो कि उसमें दूसरे तरीके से करा देगा, सब तरीके सही है, लेकिन जो सबसे पहले सीख लिया, अगर सबसे पहले भैया मुझसे सीख लिया तो जो मैंने तरीका बता दिया साइन कन्वेंशन वही वाला लगाना है। अब साइन उल्टे कर दे कोई तो उससे इक्वेशन को तो फर्क थोड़ी पड़ता है, इक्वेशन तो वही आ जानी है, सबके साइन उल्टे हो जाएंगे, लेकिन जो एक बार सीख लिया ना बस अब वही लगाना है हमेशा। अगर आप प्लस टू माइनस जा रहे हो तो माइनस साइन लेना, माइनस टू प्लस जा रहे हो तो प्लस साइन लेना। एक बार बाहर वाली लूप पर भी किरचॉफ लॉ लगा दो, बाहर वाली बेटा जब ऐसे 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 बाहर वाली लूप ले रहे होंगे तो ये जो पार्ट है बीच वाला ये उस लूप का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो बाहर बाहर पे लगा देनी है बस। अगर आप बाहर बाहर वाली लूप पे लगाते हो, नाम देखो हमने बाहर वाली लूप कौन सी ले ली, ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए अगर मैं लूप कंसिडर कर लूं, ए बी सी डी ई एफ ए बेटा अगर लूप कंसिडर कर लूं तो इसमें ध्यान से सुनना। मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ए से बी पहुंचा, कोई अभी बीच में रजिस्टर नहीं आया, सी तक भी नहीं आया, सी से आगे बढ़ते हुए आ गया पहला, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बनेगी आई आर, आई टू इंटू आर टू, चेक कर लो। और माइनस टू प्लस जा रहा हूं तो प्लस साइन लगेगा। फिर आ गई ईएमएफ, ईएमएफ आ गई ई टू, इसमें प्लस टू माइनस पहुंचे हैं। देखो इस लूप में जब मैं ऐसे आ रहा हूं तो माइनस टू प्लस पहुंचा तो प्लस साइन लगेगा, लेकिन इसमें बेटा प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो ये माइनस ई टू लगेगी। आगे बढ़े, यहां पे कुछ नहीं है, 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 यहां पहुंचे तो प्लस टू माइनस माइनस साइन लगेगा। और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गई, आई आर, इसका आई वन आर वन, और आगे माइनस टू प्लस, तो यहां प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगी ईएमएफ कितनी है, माइनस टू प्लस प्लस ईएमएफ कितनी है, ई वन, और वापस कहां पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। सबका सम किसके इक्वल, जीरो, या तीसरे तक तो आ गया होगा। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना तीसरे तक आ जाता है भाई, तीसरी इक्वेशन तक आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, एक सर्किट बनाऊंगा लूप वाला, उसमें क्या करना पहले ट्राई कर लेना, जैसे ही मेरा सर्किट कंप्लीट होगा मैं बोलूंगा भैया चलो इक्वेशन बनाओ, उसके बाद बंद कर दूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं बंद करूंगा, आपने बंद कर देनी है, मैं तो कंटिन्यूटी में कराता रहूंगा। तो जब मेरा सर्किट बन जाएगा मैं बोलूंगा कि भैया अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो आपने वीडियो कर देनी है ऑफ, फिर अपने आप ट्राई करना, और ट्राई जब हो जाएंगी इक्वेशन बन जाएंगी उसके बाद ऑन कर लेना, उसका सलूशन आना शुरू हो जाएगा, फिर कंपेयर कर लेना। ऐसे प्रैक्टिस होगी बेटा क्लास में, तो ऐसे कराते होते हैं, अब क्या करें मजबूरी है, लेकिन अब इस मजबूरी में भी नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे ना कि प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ऐसे करके देखना, अगला हम वही करने जा रहे हैं फिर। हाँ जी बेटा, तो हो जाए थोड़ी प्रैक्टिस। मान लो मैंने ये सर्किट बना दिया, वही उसी टाइप का सर्किट है जो हम थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने वैल्यूज दे दी, इजी रहेगा। तो बेटा मान लो जी ये एक सर्किट है, एक तो मैंने आपको बोलना है कि इसकी तीनों लूप जो बनेगी ना, तीनों पे आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद हम देखेंगे उन इक्वेशन का यूज क्या किया जा सकता है। आपके पास तीन लूप बनेंगी, सेम मैंने सर्किट बनाया, बस वैल्यूज दे दी इस बार सबकी, इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले क्या काम करते होते हैं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बनानी होती है। अब ये पहली सेल है, मान लो वहां से कितना करंट चलता है, आई वन, दूसरी वाली सेल है वहां से कितना करंट चलता है, आई टू, अब यहां से आई वन आई टू आए जंक्शन पे मिल गए, इसके थ्रू कितना करंट चला, आई वन प्लस आई टू चला, ओके जी, आई वन प्लस आई टू, यहां पर आ गया, फिर स्प्लिट हो गया दो पार्ट में,
बैटरी से भैया आई वन निकला है तो आई वन ही पहुंचेगा, आई वन ही पहुंचेगा, पहुंच गया। यहां पे जब आई वन ऊपर जो शो कर दिया तो नीचे क्या शो करना पड़ेगा, आई टू शो करना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर में से आई वन जा रहा है, इस रजिस्टर में से आई टू जा रहा है। यहां पे आई टू पहुंच गया, ये 3 वोल्ट की है, वापस मिला, ये सर्किट कंप्लीट हो गया मान लो आपका। फिर नाम रखने पड़ेंगे तो रखने ही पड़ेंगे, लूप रूल जो लगाना है। नाम रख लिया ए बी सी डी ई एफ, ओके लूप रूल लग गया, सॉरी नाम रख दिए। अब अगली बात है कि दोनों पार्ट्स में और फिर ओवरऑल आपने 3 इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन वो टारगेट है तुम्हारा। ओके जी, इक्वेशन बनाने से पहले साइन जरूर लिख लो। अब ये बैटरी है, लूप के अंदर यहां माइनस लिखा यहां प्लस लिखा, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, करंट हमेशा हायर से लोअर की ओर जाता है, तो भैया हायर से साइन मत गलत लगा देना, प्लस माइनस गलत हो गए सब गड़बड़ हो जानी है। बैटरी का तो कोई चक्कर ही नहीं होता, सेल का कोई चक्कर नहीं है बेटा उसकी ईएमएफ का, उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव पता ही होता है, बड़ी वाली पे पॉजिटिव रख दिया छोटी वाली पे नेगेटिव रख दिया, लेकिन रजिस्टर में तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, तो एरो बनने के बाद लगेगा वो। अब एरो तुमने इस तरह बना रखी है तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इधर से आते वक्त ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब नीचे वाले में इधर को करंट जा रहा है, ये बैटरी का तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहां से आते वक्त भी ये प्लस नीचे वाले लूप में भी और ये माइनस शो होगा, लूप के अंदर लगाने है ना आपने साइन, तो ये प्लस शो हो गया, ये क्या शो हो गया, माइनस शो हो गया, और यहां पर इधर आते वक्त ये प्लस शो हुआ ये माइनस, ये वाला माइनस भैया बैटरी का है, ये वाला माइनस इस रजिस्टर का है। अगर ये लग गए तो ठीक है, वीडियो करो बंद, अपनी इक्वेशन बनाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो बाद में ऑन करना, अपनी इक्वेशन बना के कंपेयर कर लेना। ओके अगर हमने बनाई तो अगर ऊपर वाले लूप लेते हो ए बी सी ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए में अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो मैं ए से बी तक आया कुछ नहीं, बी से ई तक जाते जाते प्लस से माइनस गया हूं, प्लस माइनस तो माइनस लगेगा, प्लस से माइनस जाते वक्त माइनस लगता है, तुम्हें बताया मैंने, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गई, I इंटू आर, करंट इसका I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस इसका 1। फिर यहां से यहां तक पहुंचे 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 प्लस से माइनस गया हूं, माइनस प्लस से माइनस, और इसका करंट है I1, रेजिस्टेंस है 10, और फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर माइनस से प्लस, एक बैटरी भी तो है, ये प्लस 5 आ गया, आंसर इसका 0 आ गया, ये पहली इक्वेशन बन गई फर्स्ट लूप की। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इजी कर लो, अभी कर लो साथ के साथ, इसको जब मैंने इजी किया तो ये बन गई माइनस आई वन प्लस आई टू माइनस टेन आई वन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये माइनस टेन आई वन है माइनस आई वन है तो ये बन गया आई टू माइनस इलेवन आई वन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई, जिस मर्जी फॉर्म में रख लो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी। अब अगर आप नीचे वाले पे आते हो इन लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, यहां पे जब मैं लूप रूल लगाता हूं बी सी डी ई बी पर, तो इधर को ज्यादा करंट जा रहा है, इधर को चलता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं, प्लस से माइनस पहुंचा, माइनस आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आई वन प्लस आई टू इंटू आर, आर वन है, फिर यहां से चलते 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 प्लस से माइनस पहुंचा तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस, इसका रेजिस्टेंस 5 है, करंट आई टू है तो 5 आई टू, फिर बैटरी आ गई माइनस से प्लस पहुंचा तो प्लस, बैटरी 3 वोल्ट की है, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ये माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस फाइव आई टू माइनस
सिक्स आई टू प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये भैया होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद वैसे तो इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन से काम चलेगा, इक्वेशन क्यों बनाई है वो भी तो बताते हैं ना, लेकिन फिर भी चलो ओवरऑल लूप पे अब लगा ही रहे हो तो यहां से शुरू करते हैं। ए से बी कुछ नहीं, बी से सी कुछ नहीं, सी से डी आते आते पहले आएगी ई एम एफ, प्लस माइनस माइनस कौन सी लूप है लिख लो इसका नाम, ए बी सी डी ई एफ ए बाहरी लूप। तो ए से भी कुछ नहीं, बी से सी कुछ नहीं, सी से डी आते आते पहले आ गई प्लस माइनस, बैटरी आ गई थ्री आ गया, फिर माइनस से प्लस, फाइव इंटू आई टू, देखो आई आर लगाना होता है ना, आई क्या था v इक्वल टू आई आर के हिसाब से आई टू और फाइव, फिर यहां से आते 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 अभी देखो बाहर वाले लूप ले रहे हो भैया, अभी तो एक दो ही हुए हैं, बाहर जाओगे बाहर जाओगे, प्लस से माइनस माइनस टेन इंटू आई वन, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर है टेन है और करंट आई है, तो v इक्वल टू आई आर टेन इंटू आई वन हो जाएगा, और यहां पे आते आते माइनस से प्लस, प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यहां से चेक कर लो 5 माइनस थ्री 2 आ जाएगा, ये बनेगा 5 आई टू माइनस टेन आई वन प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन। अब अगली बात है, कंपेयर कर लेना भाई आपने जो बनाई होंगी। अगली बात ये बनाई क्यों, यूज क्या है इसका, भैया यूज यही है कि आपको थोड़ी पता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने तो अपनी मर्जी से लिख लिया आई वन आई टू कुछ भी। यार क्वेश्चंस में कई बार करंट कैलकुलेट करने को आता है, वो कहता है आई वन कैलकुलेट करो आई टू कैलकुलेट करो, तो क्वेश्चंस में करंट कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो अपने पास अननोन कितने करंट आ रहे थे, टू। बेटा देखो ये पांच दस ये तो दे ही रखा था, पांच दस ये वैल्यूज तो आपको प्रोवाइड कर ही रखी है। क्वेश्चन मान लो आएगा, ये तो अभी सिखा ही रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन मान लो आएगा कि क्या कैलकुलेट करो, करंट कैलकुलेट करो ईच रजिस्टर का। अब ईच रजिस्टर का करंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा पहले आपको I1 I2 ऐसे करके लिखना पड़ गया। अब I1 I2 कैलकुलेट करने हैं, दो अननोन्स हैं I1 एंड I2, दो अननोन्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तभी मैं कह रहा था दो से काम चल जाएगा। तो दो अननोन थे आपके पास, ये पहली इक्वेशन है आई वन आई टू के फॉर्म में, ये दूसरी इक्वेशन थी I1 और I2 के फॉर्म में। बेटा इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, रिडक्शन मेथड लगाओ, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, जो मर्जी मेथड लगाओ, बहुत पढ़ी होंगी आपने टेंथ क्लास में, तो इन दोनों का यूज कर आप I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार I1 I2 आ गया तो ईच रजिस्टर के थ्रू करंट आप निकाल सकते हो। तो ये है भैया क्रिचॉफ्स लॉज, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बहुत बहुत ये लगा लो, ध्यान से करने वाली चीज है। अभी इसकी प्रैक्टिस और चाहिए होगी आप लोगों को, आपने सीख लिया वोल्टेज और लगाना, प्रैक्टिस के लिए आपके नोट्स में ना सॉल्व के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा यार करने की जरूरत नहीं है, बस आपको किरचॉफ लॉ लगाना आना चाहिए। ओके, अब न्यूमेरिकल्स तो इसमें जितने मर्जी कर लो, बट आप पांच सात न्यूमेरिकल्स जो आपके नोट्स में दे रखे हैं उनको ट्राई कर लेना, उनमें से कुछ चलो यहाँ पे करा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना आना चाहिए, वोल्टेज लॉ लगाना आना चाहिए, जंक्शन रूल का तो चलो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे आएगा। ओके, फिलहाल एक दो क्वेश्चंस की आपके नोट्स की क्वेश्चंस हैं सॉल्व एग्जांपल में से, इनकी प्रैक्टिस करवा देती है। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें इसने सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, सर्किट डायग्राम इज गिवन इन क्वेश्चन, और इसमें बोला गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि दोनों बैटरीज हैं, वो ऑपोजिट नेचर की हैं, तो नेट वोल्टेज कितनी है, सर्किट की नेट वोल्टेज कितनी है, इट इज 12 माइनस 8, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया ना। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 में से 8 के 4 वोल्टेज नेट वोल्टेज है, 1.2 प्लस 0.8, ये क्या हो जाएगा आपका नेट।
रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, नेट करंट आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इस पर ना किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए मैंने बोला सबसे पहले बेटा हमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लियर होनी चाहिए कि भाई करंट किधर को चल रही है। अब यहां पे आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां से करंट लिया आई या आई वन, अब यहां से स्टार्ट करोगे बेटा लाइन सेम है ना, तो दोनों बैटरीज हैं एक लाइन में या एक वायर में, दोनों बैटरीज मिलकर जो नेट करंट आएगा वही फ्लो करवाएंगी ना। ये इस तरफ फ्लो करवाना चाहता था, ये इस तरफ फ्लो करवाना चाहता था, लेकिन ये बैटरी बड़ी है तो मान के चलेंगे नेट इफेक्ट किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो ओवरऑल इस वायर में अब एक ही वायर में दो दो डायरेक्शन में करंट नहीं ना शो कर सकते, एक वायर में तो एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा, तो एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा जी बड़ी वाली बैटरी के हिसाब से। मैंने इधर को शो कर दिया, यहां तक कौन सा करंट आने वाला है, आई ही आने वाला है, यहां पे भी आई ही आएगा और यहां पर भी आई ही आएगा, सर्किट का करंट आ गया आई। अब कुछ ना करो, यहां से स्टार्ट हो जाओ और अपना किरचॉफ लॉ क्या कर दो, अप्लाई कर दो, यहां से स्टार्ट, उससे क्या आपका करंट आ जाएगा। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया जी, इधर को आते हुए आप पहले साइन लगा लो प्लस माइनस, इसमें करंट उधर जा रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस जी, ओके। यहां से चलते हुए पी से मैं चल रहा था प्लस माइनस माइनस एट, याद है अभी किया था हमने कि प्लस से माइनस पूरी लूप की नेट वोल्टेज क्या करनी है, हमने जीरो करनी है। इसमें वोल्टेज है एक दो तीन चार वोल्टेज आएंगी, सबका सम जीरो होगा, साइन का ध्यान रखना होगा। तो यहां से यहां चले तो प्लस माइनस माइनस एट, प्लस माइनस माइनस आई आर, आई इसका आई है, आर 0.8 है तो यह जाएगा 0.8 आई। यहां से पहुंचे प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया आई इंटू 1.2 यानी 1.2 आई, फिर माइनस प्लस प्लस 12, सबका सम किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। भाई इक्वेशन बनानी सीखो, इक्वेशन बनानी सीखो, एक ही अननोन है आई, सिंगल अननोन है आपके पास आई, एक ही इक्वेशन से काम आपका चल जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा माइनस एट प्लस 12, माइनस एट और प्लस 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये बन गया माइनस 0.8 आई माइनस 1.2 आई माइनस 2 आई हो जाएगा, इक्वल टू क्या था जी माइनस 4, समझ लग गया होगा यार, ये 0.8 1.2 2 हो गया आई हो गया, सॉल्व अपने आप करते रहो, माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा। यहां से बेटा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। अभी सर्किट का करंट 2 एम्पियर आ गया, मैंने बोला डायरेक्ट भी निकाल सकते थे भाई, डायरेक्ट आपको दिख रहा था बैटरी उल्टी लगी हुई है, बैटरी उल्टी लगी हुई है तो नेट वोल्टेज 12 माइनस 8 4 वोल्ट थी, ओके। नेट रेजिस्टेंस सब तो सीरीज में लगे हुए हैं, नेट रेजिस्टेंस कितना था 2 था, तो आई इक्वल टू डायरेक्ट ही कर देते तो भी क्या आ जाता वी डिवाइडेड बाय आर, आई इक्वल टू या डायरेक्ट वी बाय आर ही कर देता, वोल्टेज 4 निकाल ली रेजिस्टेंस 2 निकाल लिया तो भी कितना आ जाता 2 एम्पियर आ जाता। हमने इसको किससे निकाल लिया, किरचॉफ लॉ से निकाल लिया। अब उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला बेटा, इस पार्ट को अगर मैं कंसिडर करता हूं, ये जो बैटरी वाला काम है ये ऊपर वाली बैटरी है, ये उसका एक तरह से क्या हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये 12 वोल्ट है, इसका 1.2 ओम था और करंट अब इस सर्किट से इस रजिस्टर में से कितना चल रहा है 2 एम्पियर चल रहा है,
तो बेटा ये दो एंड्स हैं, ये एक तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला रोल प्ले कर रही है, तो इन दोनों के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए क्या यूज किया जा सकता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर वाला फंडा लगा दो, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर लगता होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E कितनी थी 12 वोल्ट माइनस आई इसमें से कितना आया था 2 आ गया, करंट कितना था 2 एम्पियर और वोल्टेज इसकी कितनी, सॉरी रेजिस्टेंस 1.2 है। इसको सॉल्व कर लो यार आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे 12 माइनस ये 12 × 24 2.4 और ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 9.6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, पुरानी बात है, बट क्रिचॉफ लॉ का एक बार क्या सिखाया जा रहा है आपको, यूज सिखाया जा रहा है कि कैसे क्रिचॉफ लॉ लगाकर आप इक्वेशंस फ्रेम अप करके सॉल्व करोगे। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक नेटवर्क दे रखा है, मैच था दे रखा है, कह रहा है कि कैलकुलेट करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है उसके थ्रू भैया क्या चाहिए, करंट चाहिए करंट। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें तो डायरेक्ट भी तुमने निकाल लिया था करंट वरंट, इसमें डायरेक्ट करंट बीच में से निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें सबसे बढ़िया क्या रहेगा, क्रिचॉफ लॉ अप्लाई करना ही रहेगा। कभी कभी बेटा एग्जाम में वो करंट की डायरेक्शन देगा, बनी हुई होंगी, उसके हिसाब से चला लेना, इसके हिसाब से इक्वेशन चला लेना। अब मोस्टली वो एग्जाम में आपको सर्किट डायग्राम देगा, करंट वरंट की डायरेक्शन नहीं देगा, करंट की डायरेक्शन आपको पहले खुद बनानी है, वो भी ध्यान से बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर चेक कर लेने अननोन कितने का आ रहे हैं, अननोन वैल्यूज कितनी आ रही हैं। जैसे यहां पे बेटा अननोन वैल्यूज एक ही थी आई, एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो गया। अगर आपको सॉल्व करते करते या करंट बनाते बनाते 3 करंट आ गए I1, I2, I3 तो समझ लेना यू विल नीड 3 इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे, फिर आप 3 अलग अलग लूप कंसिडर करोगे, 3 इक्वेशन बनाओगे, उनको सॉल्व करोगे। अच्छा इक्वेशन मैं बना दूंगा, सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा यार, सॉल्व करना तुम्हारा काम, ओके आंसर वंसर मिला लेना, आंसर आपके नोट्स में दिए होते हैं, नोट्स में से सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके, ये क्या हैं एग्जांपल्स हैं, ओके अब इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं इसको, कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। भैया 6 वोल्ट बैटरी से बाद में निकलेगा, पहले इसमें करंट की डायरेक्शन वेक्शन बनाते हैं। मान लो हमने इस बैटरी के हिसाब से स्टार्ट किया, इसके हिसाब से स्टार्ट किया, सबसे बड़ी वैल्यू इसी की है, इसका नाम रखा मैंने यार I1, इसका नाम क्या रख दिया I1 रख दिया। अब ये जो I1 करंट जब यहां से आया तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, देखो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ऊपर गया I2। तो मैंने बोला था बैटरी के एक एंड से अगर I2 जा रहा है तो दूसरे एंड से भी I2 ही जाएगा, ओके एक एंड पे अगर I2 पहुंच रहा है तो मतलब यहां से I2 ही निकलना है। तो जब मैं यहां से I1 लेकर चला था, यहां पे दो पार्ट में जो स्प्लिट करना पड़ गया तो इसका नाम I2 रखना पड़ गया, तो इसका नाम I2 होगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया, यहां तक तो क्या आएगा I2 ही आएगा। अगली बात, यहां से I1 जो आ रहा था वो दो पार्ट में टूट रहा था, ये I2, अब इसका नाम मैं I3 रख सकता हूं, पर रखूंगा नहीं क्योंकि तीसरा अननोन बिना मतलब आने की कोशिश में है। यहां पे जब मैं इसको बेटा दो पार्ट में तोड़ रहा था तो ये I2 ऊपर गया, तो बचा कितना I1 माइनस I2 आया ना, तो I1 टोटल था जिसमें से I2 ऊपर चले गया, इसमें से कितना गया I1 माइनस I2, तो फायदा क्या हुआ, तीसरा अननोन अभी तक हमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा। फिर यहां से चलकर कितना करंट पहुंचता है इस पॉइंट पर I1 माइनस I2 और ऊपर से कितना आ रहा है I2, ये दोनों जुड़ जाते हैं, जोड़ो I1 माइनस I2 में I2 ऐड कर दोगे तो I2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों मिलकर फिर से I पहुंचे। अब यहां से I1 आया था यार, वो दो पार्ट में टूटा और वही I1 I2 जुड़ गए, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर से क्या आएगा I1 हो जाएगा, I2 कट जाएगा, यहां पे I1 पहुंचेगा। चलो
मान लेते हैं। अब ये पोर्शन रह गया आपका, अब यहां से एक करंट चलाना ही पड़ेगा, I3 अब लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास बचती नहीं है। तीसरी इक्वेशन आ रही है, फिर I3 तीसरा अननोन आ रहा है, तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां से I3 चला, इस 4 ओम वाले में से करंट कितना I3। अब ध्यान से सुनना, इस जंक्शन पे ऊपर से आया I2, यहां से आया I1 - I2, यहां से आया I3, तो ये तीनों मिलकर इस तरह बढ़ेंगे, तो जो इसका करंट होगा इन तीनों का सम, देखो ये तीनों आते हुए शो कर दिए ना मैंने, ये तीनों करंट आते हुए शो कर दिए, तो इधर जो जाएगा वो तीनों का सम होगा। तीनों का अगर आप सम करते हो, करके देख लो, ऊपर से आया I2, यहां से आया I3 और यहां से आया I1 - I2। I2 कैंसिल हो गए, बचा कितना I3 + I1। इसके थ्रू जो फ्लो हो रहा है दैट इज I3 + I1, बस लिख लेना भाई ध्यान से। ये करंट इधर आया I3 + I1, यहां पे ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। यहां जब आएगा ये देखो जो आ रहा है करंट, इसको फिर दो रास्ते मिल रहे हैं ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। अब ऊपर जाएगा I3, टोटल है I3 + I1, ऊपर I3 जाएगा क्योंकि इस बैटरी के एक एंड से I3 निकाला था तो दूसरे एंड पे I3 पहुंचना है, ये भी रूल है। यहां I3 पहुंचा और I1 + I3 में से I3 ऊपर गया, तो बचेगा कितना I1। ये इसका करंट है भाई, ये वाला करंट तो इसका है। यहां से I1 बचा तो टोटल में से I3 ऊपर गया, I1 इधर गया, बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो भी बनाया सर्किट सही बना दिया कि नहीं, करंट की डायरेक्शन सही बनाई कि नहीं, उसके लिए बेसिकली आप यही चेक कर लो कि यार बैटरी के एंड से जो हमने करंट निकाला था अंत में चलते चलते कटते कटाते बनते बनाते वही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शंस बनानी है। करंट की डायरेक्शंस कैसे कैसे बनी उसको आप रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन आपको करंट की डायरेक्शंस बनाने होंगे बेटा। अगर ये हो गया, ठंडे दिमाग से वीडियो रोक लो, अपना आराम से फिर से देखो, समझो, अपने आप बना कर देखो, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करो, फिर अगली बात स्टार्ट करते हैं। कि अगली बात ये है कि बेटा हमें चाहिए करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। भाई 6 वोल्ट बैटरी बूटरी छोड़ो, सारे करंट निकालने पड़ेंगे, सारे करंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी निकालने के लिए I1 चाहिए बेसिकली। अब I1 अकेला थोड़ी निकलेगा, जब सॉल्व करोगे तो सारे आपस में उलझ के सभी निकल जाएंगे। तो अगली बात हमने चेक किया कि बेटा वी हैव 3 अननोन्स, I1 I2 I3, 3 अननोन्स हैं, तो वी नीड एट लीस्ट 3 इक्वेशंस। 3 अननोन है तो कम से कम भैया 3 इक्वेशंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब 3 इक्वेशन आपके पास लूप्स कितनी है, 1, 2, 3 लूप तो है ही है, बार बार वाली भी ले सकते हो लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है अब। ओके, आपके पास 3 लूप्स तो है ये ना, एक ये वाली कंसिडर कर लो, 1, ये 2 और ये वाली कौन सी हो गई, 3 लूप्स। 3 लूप्स आपसे आपके पास है ही है, उन्हीं से काम चलाते हैं, प्रैक्टिस की बात है बस। मैंने पहले ये वाली लूप कंसिडर की ए, इसका नाम रखा नहीं हमने, A B C D E रख लो जी बीच वाले पॉइंट का। तो हमने सबसे पहले लूप कंसिडर की A D E A, कौन सी लूप, आडिया, पहली लूप हमने कंसिडर कर ली आडिया, A D E A। ओके, अब ये जो A D E A लूप है इसमें हमें पहले साइंस लगा लेने चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम क्लोज हो गया लेकिन वो हो गई होगा, कॉपी में बनाओगे तो भी होगा बेटा। ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट नीचे आ रहा है, मैंने बोला है हाई टू लो जाना है करंट ने, इसमें ऊपर जा रहा है, प्लस माइनस हाई टू लो जाता है। अगर मैं ए डी
ई ए लूप में ए से शुरू होता हूं और इधर को चलता हूं, मान लो ऐसे, तो यार ए से ई पहुंचूंगा तो प्लस से माइनस जाऊंगा, माइनस प्लस से माइनस पहुंचे, ध्यान से ए से ई यानी प्लस से माइनस पहुंचे, यहां आ गया माइनस और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 3I2 V इक्वल टू आई आर लगाना है, I इंटू आर, ये I हो गया ये R हो गया, तो यहां से प्लस से माइनस 3I2, माइनस से प्लस आए भाई, प्लस माइनस से प्लस पहुंचे और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 1 into I1 minus I2, सही है भाई। तो यहां से प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस, ये तो बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ओके जी, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन रही है, यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी, ये हो गया I1 माइनस 3I2 माइनस I2 4I2 इक्वल टू माइनस 2, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब इक्वेशंस में बार बार बोल रहा हूं, इक्वेशन ही सॉल्व करके दिखाऊंगा भाई, इक्वेशन बना के दिखा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व नहीं करके दिखाता, सॉल्व करना आपका अपना काम है, कैसे इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया जाता है वो आपकी टेंशन है भाई, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन में उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई ट्रिक अलग लग सकता है, वो आपने देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। 10th class level की क्या लगानी है, मैथ्स लगानी है, वो अपने आप होंगी भाई। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी, एक बार दूसरी भी बना देता हूं प्रैक्टिस के लिए, बस इनको संभाल के रखना ये वाली वीडियो। अब ये मैं अगली लूप कंसिडर करता हूं, डी ई सी डी, डी ई सी डी डेकड। ओके जी, अब इसमें अगर मैं लगाता हूं प्लस माइनस, लगा लो अपने प्लस माइनस, अगर हमने लगाए तो इस पे प्लस माइनस लगाई हुआ है, ये करंट नीचे को जा रहा है, प्लस और माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तीन चीजें हैं इसमें, 1 2 3, यहां से मैंने शुरू किया, जल्दी जल्दी शुरू किया, प्लस माइनस, प्लस से कहां गए हम माइनस गए, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आई वन है और नहीं, रेजिस्टेंस वन है और करंट आई वन माइनस आई टू है, तो इसमें आई इंटू आर लगेगा, तो ये बन जाएगा आई वन माइनस आई टू। ओके जी, तो प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस, ये बन जाएगा 6, इसका करंट है आई वन प्लस आई थ्री, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, 6 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और आपकी जो इक्वेशन बन रही है यहां पर, ये बन रही है माइनस आई वन, ये बन रही है माइनस 6I1 माइनस 7I1, गलती वलती भैया हो जाएगी तो माफ कर देना, सही भी कर लेना, ये माइनस आई टू माइनस माइनस प्लस आई टू, आई टू और है नहीं, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस आई टू। ओके, ये क्या हो जाएगा माइनस 6I3 इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगी तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई, पहली बन गई, दूसरी बन गई, तीन अननोन है, I1, I2, I3 इन्वॉल्व्ड है, एक इक्वेशन और चाहिए वरना इतने से सॉल्व इसने होना नहीं है, एक इक्वेशन अगर मैंने और बनाई मान लो, तो ये लूप कंसिडर कर ली, ये लूप कंसिडर कर ली, अब ये वाली बची है, ये भी कंसिडर कर लो, इसको प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, यहां पे प्लस है, ये माइनस है, करंट नीचे आ रहा है ना भाई, इसका प्लस माइनस लगा ही हुआ है, यहां से स्टार्ट कर लो, बी से लूप का नाम क्या रखोगे, बी ई सी बी बैकअप, बी ई सी बी। ओके, जो बी ई सी बी लूप है, शुरू हो जाओ भैया, बी से शुरू हो जाओ, अब तक तो आ गया होगा, प्लस माइनस माइनस 4 into I3, चलो बहुत बढ़िया, यहां से इधर को जाएंगे, अब
प्लस माइनस 6 इंटू आई वन प्लस आई थ्री, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 वोल्ट की बैटरी इक्वल टू 0। यहां से ये बन जाएगा माइनस 6 आई वन माइनस 4 आई थ्री माइनस 6 आई थ्री, मेरे ख्याल से माइनस 10 आई थ्री इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ये बन जाएगी तुम्हारी तीसरी इक्वेशन। अब तीनों को सॉल्व करना तुम्हारा काम है भाई, बनाते वक्त इक्वेशन बनाते वक्त बहुत ध्यान देना जरूरी है। मेरा भी हो सकता है ध्यान घट गया हो, और हो सकता है कोई साइन का ऊपर नीचे मैंने कर दिया हो, तो उसको भैया मैंने बोला है गलती शलती माफ कर देना और अपने आप उसको सही कर लेना। करना बड़े ध्यान से होता है। अब इनको सॉल्व करना बार बार मैं बोल रहा हूं, वो तुमने दिमाग लड़ाना है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3 और ये वाली इक्वेशन 2, इन तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, रिडक्शन मेथड लगाओ, ये सॉल्व हो जाती होती है। अब अगली बात सुनो, एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आ गया, ये वाला मान लो आ गया कि किरचॉफ लॉ के हिसाब से ऐसे ऐसे इसकी वोल्टेज निकालो, तो मैं कह रहा हूं जहां पर तो एक अननोन या दो अननोन्स यानी आई वन आई टू तक दो इक्वेशन बन रही हैं, उनको तो सॉल्व कर दो। लेकिन अगर एग्जाम में तीन अननोन वाली को न्यूमेरिकल आ गया, तो उसमें आप क्या करो, करंट बनाओ, करंट बना लो, इक्वेशंस ध्यान से फ्रेम अप कर लो, फिर उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर करो। इसको सॉल्व करने वाला पंगा जो है वो लास्ट में लेना, क्योंकि मान लो ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जब ये 3 मार्क्स में आएगा तो जब आपने इसके करंट वरंट की डायरेक्शन बना दी, स्टेप मार्किंग होती है भाई, तो इसका एक नंबर मिल गया। आपने इक्वेशंस बना दी, 2 नंबर हो गए आपके, एक यहां से मिल गया, इक्वेशन सही बनने तक आपके 2 नंबर समझ लो पक्के हो गए। अब 2 नंबर हो गए, अब जो बच गया 1 नंबर, उसके लिए आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं सॉल्व करने में, 10 मिनट भी लग सकते हैं। कई बार सॉल्व करते करते बंदा उलझ जाता है, 10-10 मिनट लगा देता है इस पे। अच्छा, वो 10 मिनट लगाने के बाद भी गारंटी कोई नहीं कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने बनाते वक्त इक्वेशन बनाते वक्त कहीं छोटी मोटी गलती कर दी हुई कहीं पे भी, तो आपका आंसर तो गलत आना है। तो वो जो 10 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट जितने भी लगेंगे उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको आंसर ही याद है, मान लो ये ट्राई किया था आपने 2 दिन पहले, वही वाला एग्जाम में आ गया, आपको इसके आंसर तक याद है, आपको ये भी पता है कौन सी चीज कैसे कैसे पुट करनी है, मतलब दिमाग नहीं लड़ाना, आपने किया हुआ था, आपको पता था कि ये इसमें इससे ऐसे रिड्यूस होना है, इसको इससे डिवाइड करके करना है, तो कर दो। अदरवाइज नया नवेला भाई क्वेश्चन आ गया, 3 इक्वेशन बन रही हैं, तो आपने अटेम्प्ट करते वक्त उसको 3 इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है, सारा पेपर सॉल्व करना है। टाइम बचता है तो लास्ट में आके इससे पंगा लेना है, बीच में नहीं लेना, क्योंकि 2 नंबर आपके पक्के हो गए, 1 नंबर के पीछे अब 5-7 मिनट और खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गारंटी अभी भी नहीं है कि आप आंसर सही निकाल लोगे, माइन्यूट सी मिस्टेक हुई तो आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो हमारी टिप यही होती है बच्चों को कि भाई अगर आ गया, अगर तो 2 इक्वेशन तक का आ गया तो उसको निपटा लो, अगर 3 इक्वेशंस बन रही हैं और आपने क्वेश्चन किया हुआ है, आपको आंसर तक याद है, तो भी निपटा लो। लेकिन अगर आ गया नया, उसी वक्त दिमाग लड़ाना है, सब कुछ उसी वक्त करना है, फिर आप यहां तक करके बाकी फिर पूरा पेपर करोगे, लास्ट में जाके इसको अटेम्प्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त प्लानिंग भी करनी पड़ती है कि कौन सा चीज कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। ओके जी, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन और करके फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी ऐसे ही है कुछ, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल एंड पीडी अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। हर सेल का क्या चेहरा है, करंट चाह रहा है, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं। करंट थ्रू, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, उतने से अपना काम
चल जाएगा जी। ओके, करंट थ्रू ईच सेल उसने मांग लिया। सबसे पहला काम यार वही, क्या करो, करंट्स बनाओ। वो इजी है, ये बहुत इजी था, ये इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें कुछ नहीं है, ये हो जाना चाहिए बेटा। ये टू, यहां से करंट चलाया भाई मैंने, इसका नाम रखा आई वन, यहां से भी चला दिया, इसका नाम रखा आई टू, ये आई वन आई टू यहां पर आकर मिल गए, और इसका नाम रख दिया आई वन प्लस आई टू। ओके, ये यहां पर आके फिर टूट गया। अब टूट तो गया, ऊपर आई वन जाएगा कि आई टू जाएगा, अब इतना तो हिसाब लग गया होगा कि ऊपर आई वन ही जाएगा, क्योंकि बैटरी ऊपर वाली के एक एंड से हमने आई वन शो किया है, तो उसके एंड तक कितना पहुंचाना था, आई वन ही पहुंचाना था, और इसके एंड तक कितना पहुंचाना था, आई टू ही पहुंचाना था। बहुत बढ़िया तरीके से इसके करंट वन बन गए। इतनी देर तक आपको कुछ ना कुछ किरचॉफ लॉ लगाना आ गया होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं सिखाया जा सकता। अगर आना होना किरचॉफ लॉ अप्लाई करना, तो ये जितने भी चार पांच एग्जाम्पल मैंने कराए हैं उतने में आ जाता है। नहीं आना हो, फिर नहीं आता, फिर छोड़ दो भाई। अगर ये चार पांच एग्जाम्पल में किरचॉफ लॉ नहीं आ रहा, फिर छोड़ दो, फिर और कुछ करो, अगला टॉपिक करो। लेकिन खैर आ जाएगा, बुरा नहीं मानना, चार पांच एग्जाम्पल में आ जाना चाहिए। आप उसको बार बार देखो, अपने आप प्रैक्टिस करो, आएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल, दो अननोन है, दो इक्वेशन बना लो, कुछ नहीं, दो अननोन है, दो इक्वेशन बना लो। यहां लिखा मैंने माइनस, यहां लिखा प्लस, ये नारा नीचे की ओर, इसका नाम प्लस, इसका नाम माइनस, ये करंट जा रहा है इधर को, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ओके, ये ऊपर को जा रहा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इधर को जाते वक्त ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। लूप के नाम पक्का लिखने, नहीं तो एग्जामिनर बाद में लड़ता रहेगा, लाया तूने कौन सा लूप का नाम लिखा था, मुझे क्या पता किसकी इक्वेशन बनाई है। तो भाई एग्जामिनर बड़े गंदे होते हैं, वो लड़ेंगे, तूने थोड़ी बताया, तो आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। लूप का नाम ए ई एफ डी ए, एफडा क्या बन गया, एफडा, ए ई एफ डी ए, अजीब अजीब नाम बन रहे हैं, ए ई एफ डी ए लगाओ जी। ए से शुरू हो जाओ, नीचे आ रहे हो, प्लस से माइनस आ रहे हो, माइनस फाइव आई वन, क्योंकि इसका करंट आई वन लिया ना, तो ये बन गया माइनस प्लस माइनस, माइनस फाइव वन, फाइव आई वन, प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस टेन आई वन प्लस आई टू, प्लस से माइनस टू आई वन, माइनस से प्लस टू इक्वल टू जीरो। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस फाइव आई वन माइनस टेन आई वन, माइनस पंद्रह हो गया, माइनस टू आई वन माइनस, अब जो आया सो आया, माइनस फाइव आई वन माइनस टेन आई वन, दस पांच पंद्रह वो भी माइनस था, तो माइनस सत्रह आई वन हो गया। आई टू में माइनस टेन आई टू इक्वल टू माइनस टू हो गया, ये पहली इक्वेशन बन गई। भाई इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान से कर लेना, मेरे पे विश्वास मत करना, गलती हो जाए तो उसको माफ कर देना, लेकिन चेक जरूर कर लेना। अब हमने तो बना दी। अगली बात, गर्मी बहुत होगी भाई, ये जो तुम्हारी वीडियो बनती है उसमें पंखे पंखे सब बंद करके बनानी पड़ती है भाई, नहीं तो साउंड उसका आ जाता है, तो गर्मी में गलती भी हो सकती है, तो चेक कर लेना जी। अगली बात, एफ ई बी सी एफ, अगली लूप एफ ई बी सी एफ। ओके, ये क्या बना, ये तो कुछ नहीं बना, फैब सफ, फैब कफ, फैब कफ बन गया, फैब सी एफ बन गया, एफ ई बी सी एफ। ओके, एफ ई बी सी एफ में अगर इसमें लूप रूल लगाते हैं तो कहां से शुरू करें, एफ से करते हैं, इधर को चल रहे ना, एफ से करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जहां से मर्जी करो। एफ से शुरू किया, प्लस माइनस टू आई टू माइनस प्लस वन, एक गड़बड़ हो गई भाई, एक गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखना,
हमने ध्यान नहीं दिया कि ये जो सेल है ना, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वो ध्यान ही नहीं दिया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, ये दो दो भैया ध्यान दो, गलत हो जाएगा सब कुछ। ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी इसके साथ सीरीज में लगेगा, तो करंट तो इधर को ही जा रहा था, करंट तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी क्या आएगा, आई वन ही आएगा, इधर को जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस ही होगा। जब मैं इसकी इक्वेशन बना रहा था भाई, तो इक्वेशन थी 5i1, सही है, प्लस माइनस माइनस 10, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इससे पहले ये वाली टर्म ऐड नहीं की मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो कोई बात नहीं, वो भी कर देते, ये प्लस माइनस, यहां एक माइनस और आना था, I इंटू आर, I इसका आई वन था और आर वन है, माइनस आई वन और आना था यार, ओके, तो ये कितना हो जाता है, एक माइनस आई वन और ऐड करने से माइनस पांच, माइनस दस 15, माइनस दो 17, और ये 18 आ जाना था, बोला था ना गलती हो तो माफ कर देना, गर्मी बहुत होगी भाई, माइनस 18 आई वन आना चाहिए था, ओके, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे इसके साथ सर्किट में लगेगा, तो करंट अगर नीचे से आ रहा है तो करंट तो खैर इसमें ऐसे ही चलेगा प्लस माइनस वाला। फिर से देखो, मैं इधर से बना रहा हूं 2i2, प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस गए, और ये है 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो बनेगा 2i2, ओके, फिर माइनस से प्लस गए, प्लस बैटरी कितने वोल्ट की है, 1 वोल्ट की, फिर प्लस से माइनस गए, माइनस 5, करंट कितना है, i2 इक्वल टू 0, ध्यान देना जी। अब यहां पर गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, यहां से आ गए, 2 वाली टर्म आ गई, ये वाली भी आ गई, ये भी आई, ये भी आ गई, अब ये कौन लिखेगा, ये भी तो लिखनी है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 10 इंटू i1 प्लस i2 इक्वल टू 0, ये बनेगी भाई सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट वाली देखना गड़बड़ तो नहीं की हमने, फर्स्ट में कितनी टर्म्स आनी चाहिए थी, 1, 2, 3, 4, 5 आनी चाहिए थी, 1, 2, 3, 4, 5 सही है। सेकंड में कितनी आनी चाहिए थी, यहां 1, 2, 3, 4, 5 आनी चाहिए थी, 1, 2, 3, 4, 5 आनी चाहिए, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व करना वो तुम्हारा काम है, बहुत हो गया क्रिचॉफ लॉ, ध्यान से कर लेना, इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना आपका काम है।